तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो भी यार काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी क्रेजी रहने वाली है। लेकिन ई स्पोर्ट्स की सारी अपडेट्स अगर आप लोगों को यहां से मिलती है तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। सबसे फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है गोल्डी भाई को लेकर। तो जो गोल्डी भाई है उन्होंने एक एजेंडा से रिलेटेड बात करी अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर, जहाँ पर उन्होंने मैसेज डालते हुए लिखा था, एक बात तो समझ आ गई है, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी करवाते हैं ये फैन पेजेस जिनको इस चीज़ में काफ़ी मजा आता है। मैंने कल अपनी स्ट्रीम पर कुछ ओपिनियन दिए थे एंड दोज वर टोटली आफ्टर सीइंग अ लाइव स्ट्रीम ऑफ अ स्ट्रीमर हु वाज डिस्कसिंग नंबर एंड वॉचिंग ऑन सोशल मीडिया आफ्टर गोइंग लाइव टू विजिट द राम मंदिर। एंड इसके बाद उन्होंने लिखा था, मैंने ये भी बोला था कि व्लॉग बनाना सही है लेकिन यार ये एक सोल पर्पज नहीं होना चाहिए राम मंदिर विजिट करने का, जहाँ पे उन्होंने ये चीज भी बोली थी व्लॉग्स के थ्रू एटलीस्ट जो लोग नहीं जा पाते लोग दर्शन कर पाएंगे। एंड काफी सारे फैन पेजेस ने इसको एक एजेंडा बना दिया है, जहाँ पे उन्होंने ये चीज भी बोली कि मैं आपके फेवरेट स्ट्रीमर की स्टेटमेंट या फिर स्ट्रीम नहीं देखता हूँ। एंड ऑब्वियस है वो भी हमारी रेगुलर स्ट्रीम्स नहीं देखते होंगे। एंड कल शाम को उन्होंने देखा कि काफी सारी स्टोरीज में उनको टैग करा गया है एंड ये एक व्हाट्सएप ग्रुप की प्लानिंग है। देखा कि इट वॉज अ बेसिक स्टेटमेंट गिवन बाय देयर स्ट्रीमर दैट इफ दे विजिट एंड वी विल मेक अ व्लॉग। एंड यही बात तो मैंने भी बोली थी, योर स्ट्रीमर नो वेयर मैंशन गोइंग लाइव एंड टॉक अबाउट वॉचिंग कितनी आएगी, सो वाई यू गेट ऑब्सेस्ड विद मी एंड माई स्टेटमेंट दैट यू टुक अपॉन टू अननेसेसरी प्रोटेक्ट योर स्ट्रीमर। थोड़ा सा अगर मेरी पूरी स्ट्रीम देख ली होती तो तुम्हारा ये लीडर जो भी है यार जहाँ से मर्सी और से ओल्ड व्लॉग्स के स्क्रीनशॉट देकर तुम्हें समझा रहा है वो अपने साथ भी एम्बेरेस नहीं करवाता। हाँ भाई लोग थोड़ा ऑब्सेशन छोड़ दो हमसे, दुनिया में और भी लोग हैं उनकी जाके बात करो। एंड इसके बाद उन्होंने लिखा था कि फनीएस्ट पार्ट ये कि जो SATL के स्ट्रीमर हैं उनके टेम्पल विजिट के व्लॉग का SS जो है वो लगा रहे हैं स्क्रीनशॉट एंड उसके बाद में वो मेंशन कर रहे हैं गोल्डी भाई को, तो उनके जो सारे मैसेज हैं वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके ऊपर जो थक भाई उनका भी हमें रिएक्ट रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। गॉबलिन को क्यों छोड़ा? हाँ चलिए मैं मतलब अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता दूँ सीन क्या है। गॉबलिन मतलब हम प्लेयर ढूंढ रहे थे, ठीक है, तब आई गेस हमने दो प्लेयर ढूंढे थे, स्प्रेगॉड और सारंग, और हमने उनके साथ खेला लेकिन उनका सीन TX में था कि TX में ही हम स्टे करने वाले हैं। मतलब ठीक है यार, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हैं और स्काउट के बहुत क्लोज हूँ। मतलब ठीक है, तो फिर इसके बाद प्लेयर थे नहीं हम पे और मैंने और PS ने बोला एक बार F1 को ट्राई करते हैं क्योंकि अभी वो है नहीं कहीं पे करंटली और अच्छा खेलता है काफ़ी, मुझे पता है इसका पोटेंशियल। तो इसने PS मान गया एंड फिर उसके बाद मुझे एक असॉल्टर, मैंने सोचा एक असॉल्टर ले लूँ। एंड मेरे दिमाग में क्या आया कि गॉबलिन को क्यों ना ट्राई करूँ क्योंकि गॉबलिन किसी टीम में नहीं था। मैंने गॉबलिन को कॉल करा, उसने बोला एक बार मैं उसकी जो भी एक्स और थी उसमें क्या सीन है एक बार पूछ के बताता हूँ। एंड उसी रात को उसका 11 बजे कुछ कॉल आया कि यार सेंसी साथ में खिलाना तुझे क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है। मतलब क्यों? तो उसने बोला पता नहीं अब, और उसने मुझे अपना थोड़ा बहुत बताया क्या सीन हुआ था क्या नहीं, वो आप सबको ऑलरेडी पता है, मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। एंड उसके बाद हम खेले साथ में, सब कुछ अच्छा जमा, सब कुछ बढ़िया था, ऑलमोस्ट टीम हमारी मतलब ऐसा कन्फर्म सी लग गई थी कि मतलब यही टीम होने वाली है कि मैं फियर्स गॉबलिन एक्वा। तो कन्फर्म होने के कुछ टाइम पहले उसका 2-3 दिन पहले कॉल आया उसका कि सेंसी मैं तो खेल नहीं पाऊँगा कल से। तो मैं समझ गया था, मतलब कोई ना चल, मैं समझ गया था मैं क्यों ही रोकूँ किसी को, मतलब क्यों उसके आने के बाद भी नहीं खेल पाऊँगा। तो मतलब मैं समझ गया था कि ऑब्वियसली ये किसी और टीम में जाएगा और मुझे जो पता था कि अगर आ जा रहा है तो उसने बोला यार ये उधर ही जा रहा है वापस। तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं लो। देखो गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, जैसे वो आई गेस अक्षत गॉबलिन नियो का पता नहीं लेकिन हेक्टर इन चारों को तो खेलते हुए साथ में आई गेस 2 साल तो हो ही गए ना, बहुत टाइम हो गया ना साथ में खेलते हुए। एंड अगर फियर्स भी यहाँ जाता है मेरे साथ, फियर्स स्टार्टिंग से, और हमारी टीम ऐसी किसी मिस हैपनिंग में टूट जाती है, फियर्स किसी चक्कर में जो उनका हुआ था उस चक्कर में फियर्स हमसे दूर हो जाता है और फियर्स फिर बोलता है कि यार मुझे टीम में वापस आना है, तो ऑब्वियसली मैं मना, अच्छा खेलता है, इसका गेम सेंस बहुत बढ़िया है, फिल्टर भी करी जो भी है। तो हम फाइनली फिर हमने ब्लेज को खिलाया, अच्छा ब्लेज आ गया बस। तो ये है गॉबलिन की कहानी। देखो जो उसका डिसीजन था बहुत अच्छा डिसीजन था, अब वो वहाँ पर जाके 5th बैठे कुछ उससे मुझे कोई लेने देने नहीं, लेकिन अच्छा था उसका डिसीजन। और बताओ काफ़ी लोग उनसे ये चीज़ भी पूछ रहे थे कि जो निंजा है उन्होंने RNT को ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो इस पे भी उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। किसका नाम निंजा का क्या प्रॉब्लम हुआ? निंजा का एक्चुअली सीन ऐसा था, मैं गॉबलिन के ट्रायआउट्स ले रहा था, निंजा ने मेरे से पूछा और जब तक मैंने से बोला था कि मैं 28 मतलब 28-29 तक बताऊंगा कि क्या सीन है फाइनल गॉबलिन का, एंड उससे पहले उसे आई गेस TX का ऑफर आ चुका था तो चला गया। क्योंकि यार देखो गॉबलिन को बिना किसी रीजन के, या एक्वा तो हमारे साथ अच्छा खेल ही रहा था तो गॉबलिन को किसी बिना रीजन का बहाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक बार ऑलरेडी हो चुका था उसका एटीट्यूड है भाई सिर्फ बड़े लोग। अरे नहीं भाई,
एंड इसके बाद जो सोलोमन है उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसके बाद काफ़ी लोग उनको अनफॉलो करने लगे थे एंड काफ़ी सारे डीएम्स उनके पास आ रहे थे एंड उन्होंने बेसिकली ये लिखा था लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड इस चीज़ के बाद उन्होंने रिप्लाई करते हुए एक और स्टोरी लगाई तो वो वाली स्टोरी भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो लास्ट स्टोरी जिन लोगों ने भी देखी वो एक प्रैंक था जो अभी बहुत नेक्स्ट लेवल प्रैंक शूट हुआ है। सर्विस बनाने ठीक है ठीक है जा एंड वो वीडियो जो है वो गोल्डी भाई के चैनल पे आएगा। बहुत ही नेक्स्ट लेवल शूट हुआ है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो लास्ट वीडियो या फिर लास्ट स्टोरी जो भी आप लोगों ने देखी डोंट टेक इट सीरियसली अनफॉलो मत करना मुझे। एंड इसके बाद काफी लोग उनसे एमजेएन अपोलो से रिलेटेड पूछ रहे थे, काफी लोग ये चीज भी पूछ रहे थे कि जो एक्वानॉक्स है उन्होंने कैसे ज्वाइन किया आरएनटी को, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला आप लोग देख लो। अपोलो एमजे यार, अपोलो एमजे का ये तो सबसे आपने ऐसा दिल वाला क्वेश्चन पूछ लिया। मैं क्या ही बताऊं, मतलब मैं ये बता सकता हूं कि यार प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। अपोलो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इंडिया में, बता रहा हूँ टॉप फाइव में तो आप उसे कभी भी इंक्लूड कर सकते हो। एमजे भी बहुत अच्छा असल्टर, आप देख रहे होंगे जीटी में कैसे परफॉर्म। लेकिन वही होता ना कि अगर आप सारी टीम में एक बार देखो, इंडियन क्रिकेट टीम में कितने सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है आईपीएल में हर कोई अच्छा परफॉर्म करता है इधर उधर, लेकिन आप सारे एक सारे बढ़िया बैट्समैन लिया होगे, सब कुछ बढ़िया लिया होगे, तो फिर फील्डिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा, समझ लो। तो बस वही सब सीन था, आई गेस हमारी टीम में तीनों असल्टर बहुत अच्छे थे एंड मैं उनको शायद उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था। एंड जैसे मैंने आपको बताया मैं स्काउटिंग में मर जाता था बहुत बार, वही और मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट में भी हो रहा था स्काउटिंग वगैरह में दिक्कत एंड उतना बैठ नहीं पा रहा था, बस ये सीन है आई गेस। वो अच्छा डिजर्व करते हैं एंड कुछ ऐसा नहीं है, हमारी लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है, अभी भी बात होती है, लेकिन बस यही है कि वो गए क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस आ नहीं रहा था। हम कब से खेल रहे हैं आप बताओ, मतलब 8 महीने हो गए हम कुछ जीते नहीं थे बड़ा, तो छोटे भी नहीं जीते थे पेड़ कसम छोड़ के। तो बस वही सीन है, तो मैंने बोला कि यार अब ना ही कंटिन्यू करें, तुम्हें भी अच्छी टीम मिल जाएगी, हम भी अच्छे प्लेयर ढूंढने का ट्राई करते हैं एंड देखते हैं। एक्वा ने आरएनटी क्यों ज्वाइन करा ले? एक्वा ने आरएनटी क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि भाई पोटेंशियल दिख रहा था कि मैं एटलीस्ट मैं अपना दिखा सकता हूँ कि मैं अभी भी कैपेबल हूँ, सो भरोसा किया सेंसे ने एंड आगे जाके वो फुली दिखेगा। गाइस बिल्कुल, और बताऊं क्या मैं बताता हूँ इसका सीन, ये पिछले जो टूर्नामेंट खेले थे हम, पिछला कोई टूर्नामेंट खेले थे ना जिसमें टॉप रैगर था लेकिन खेला नहीं शायद, एपीएल का था ना, एपीएल का था गॉब्लिन और हाँ ये चार मैचेस खेला नहीं था और एक दो किल से सेकंड नंबर पर टॉप रैगर था। अगर चार मैचेस खेलते तो अच्छा, वो कोई और था गॉब्लिन, गॉब्लिन या फियर्स था, इनमें से कोई एक एमवीपी, ये नहीं था गाइस, ये नहीं था, इसके बाद जो मेजी है उन्होंने बात करी थी कि कौन से इवेंट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं इस साल में, उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन इसके ऊपर दी थी, उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं और मुझे मेरे हिसाब से शायद सारे जो हैं वो सारे नहीं, दो चार को छोड़ के बाकी सारे शायद ओपन टूर्नामेंट्स होंगे, उसमें आप लोग भी जा सकते हो। अभी जैसे ये वाला जो इवेंट चल रहा है ये तो चलो ठीक है हो गया, इसके बाद आईक्यू का वो जो प्रो सीरीज था वो एक बार फिर से आएगा, पर ये ओपन इवेंट नहीं है क्योंकि नाम ही उसका प्रो सीरीज है। देन इसके बाद स्काई का, स्काई स्पोर्ट्स का लीग है, ये होगा, ये जो है ये ओपन होगा, तो इसलिए डिस्कॉर्ड इंस्टा ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग करते रहना। इसके बाद नॉर्डविन का जो वन प्लस है उनमें भी ओपन होता है, तो उनका इंस्टाग्राम ज्वाइन करो, वहाँ से तुम रजिस्ट्रेशन कर देते हो। प्रीत इज माय नेम, आई एम फ्रॉम इंडिया पंजाब, थैंक यू सो मच प्रीत भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भीख मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, कोई बात नहीं। वन प्लस का इवेंट है जो कि ओपन रहता है हमेशा, तो उसमें भी तुम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहां से वो लोग सीधा डायरेक्ट तुमको इनवाइट देते हैं किसी चीज के लिए। आज यूवी की वॉच पार्टी, जी हाँ मैडी भाई आज खेलेंगे। तो ये हो गया, वन प्लस का हो गया। देन ये वाला शायद जैन फेब में हो सकता है, जिसमें अभी तक सबसे ज्यादा वॉचिंग आई है ना, ये आईक्यू प्रो सीरीज ही था, तो जैन फेब में हो सकता है। ये मार्च में है, ये वाला तो रेगुलर चलता रहता है, तो वैसा है। चैट बॉयज ये वन प्लस का है जो रेगुलर होता रहता है। देन उसके बाद शायद बीजीआईएस हो सकता है तुम्हारा, कंफर्म नहीं है किसी चीज के बारे में क्योंकि कुछ अपडेट नहीं आया, तो मार्च का हो सकता है। देन इसके बाद शायद एपीएल का है एक, वो भी तुम्हारा ओपन है। एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं यूई के बारे में, तो आप लोगों ने भी यार लास्ट मैच देखा होगा एंड उनका पॉइंट्स टेबल भी देखा होगा, तो हमारे को चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए रेवेनेंट स्पोर्ट्स एंड वहाँ पे हमारे को जो गॉड लाइक है वो थर्ड पोजीशन पे देखने को मिली एंड इसके एमवीपी हमें देखने को मिले जोनाथन। एंड इस चीज से रिलेटेड आप लोगों ने लास्ट मैच में देखा होगा तो हमारे को वहाँ पे फाइट होती हुई दिखाई थी एंड आप लोगों को भी पता ही है फर्स्ट सेकंड थर्ड की काफ़ी ज़्यादा रेस चल रही थी एंड वहाँ पे हमारे को फाइट देखने को मिली थी गॉड लाइक एंड सोल की। तो इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी लोग जो जेली है उनके कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। पूरी टीम
के, बट अभी के लिए टीम गॉड लाइक टीम आई कुछ सोल का आगमन होता नजर आएगा। बट फिलहाल के लिए मैक क्या फंसते नजर आ सकते कि नहीं? जी हाँ, लग तो रहा है यहाँ पर दोनों ही छोर से मैक को यहाँ पर खेल लिया जाएगा। फिलहाल के लिए टीम गॉड लाइक अपना पहला खिलाड़ी गवाती नजर आएगी, एक फ्रंट लाइन सॉल्टिंग की तरह अभी के लिए भूमिका नजर आ रही थी टीम गॉड लाइक की, इस खिलाड़ी मैक की। पर देखिए, अपनी टीम से अलग नहीं होना, इस चीज का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। यही चीज हमने विकेंडी मैप में भी हमने कही थी, क्योंकि उस दौरान हमने कुछ खिलाड़ी को देखा था अपनी टीम से काफी ज्यादा। मैं रैकनिंग की में बात करने वाला हूँ यहाँ पर। जी हाँ, हंटर टारगेट वार्गेट छोड़ो, मैं कुछ नहीं होता रहता है उसमें, पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ गेम है, ऐसे बोलना पड़ेगा मेरे को अभी, और क्या करूँ, पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ गेम है। थैंक्स चली द आईजीएल रोटेशन ऑन पॉइंट, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। रोटेशंस थी अच्छी थी, बहुत कुछ अच्छा था यार इस बार, हम अच्छा खेले यार मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जीत सकते थे, बस उसी चीज़ का एक दुख हो रहा है लाइफ में मेरे, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है दिल के पास, क्या बताऊँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पर अच्छा लग रहा तुम्हारे भाई ने असॉल्टिंग इंप्रूव करी है ना अपनी, क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम्हारा भाई मारा ना आज, इसलिए कहता था भाई जब मौका मिलेगा ना मैं मार दूंगा, समझ रहे हो, मैं मार दूंगा, तुम उस चीज़ का स्ट्रेस मत लो अपनी जिंदगी में। इतने टाइम से थोड़ा डाउनफॉल ही डाउनफॉल चल रहा था ना भाई, हो नहीं रहा था मेरे से कि भाई अभी क्या करूँ क्या करूँ, तो गेम में फोकस कर रहे थे हम सारे के सारे बंदे अपना, तो गेम में फोकस करके अभी थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो बस गाइस यार, अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।